सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ वेरिंग टीजर ब्रेकडाउन। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ कमाल की वेरिंग टीजर ब्रेकडाउन, जो कि हालांकि मैंने अभी फ़िलहाल एडिट करी थी। एंड इसके पहले भी एक वीडियो डाली थी मैंने वेरिंग टीजर ब्रेकडाउन की, उसमें आप लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। और ये जो वीडियो है ना, जो मैं अभी एडिट करने वाला, वो हमारी टीम ने शूट किया था। अभी मैं फ़ोटोग्राफर आपको बताइए जो लोगों को नहीं पता, और मेरी एक टीम भी है यहाँ पर मुंबई में, और हमने एक सिनेमैटिक वीडियो शूट किया, सिनेमैटिक टाइप वीडियो शूट किया, और मेरे पास में सब फुटेज है। तो मैं सोचा कि आपको उसमें से कुछ फ़ोटो सिलेक्शन, मतलब जो फुटेज है वो मैं निकाल के अपने फ़ोन में डाला। और इसके वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में आपने जैसे देखा था, मैंने वेडिंग टीजर एक ब्रेकडाउन किया था, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया वो। और मैं सोचा कि अभी फिर से वापस किया जाए, चलो एक और बार वेडिंग टीजर ब्रेकडाउन। और ये पूरा मतलब यार एक मस्त फुटेज है, मेरे को मिली है, बहुत ही प्यारी प्यारी फुटेज है। और मैं सोचा कि इसको मैं ब्रेकडाउन कर लेता हूँ, और मैंने फिलहाल एडिटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। और मुझे ना भाई कम से कम ना कल रात से मैं एडिट कर रहा हूँ, और अब जाके आज दोपहर का कितने बज रहे हैं भाई, देखो 5 बजने आए, और अभी जाके मेरा वो पूरा काम ख़त्म हुआ है। तो समझ रहे हो, मतलब कंटिन्यू तो नहीं किया, छोड़ छोड़ के किया तो इस बोल सकते हैं। तो फिलहाल अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मैंने कैसे किया है। ओके, तो आपने आते हैं अभी फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये मैंने फ़ोन का स्क्रीन ओपन कर लिया है, और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आप लोग देख लीजिएगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है VPN को कनेक्ट कर लिया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर VPN को मैंने कनेक्ट किया है। ओके, अब VPN को कनेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने CapCut एप्लीकेशन में। पिछले बार मैंने किया था VN ऐप के अंदर, और ये बार मैंने किया है CapCut के अंदर, क्योंकि VN ऐप के अंदर है ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था। मैं जो का पार्ट को मैं कट किया ना, ट्रिम किया उसको, मैं जब यहाँ से उठा के वहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो मुझे ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और कभी कभार जो है ऐप से मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, डायरेक्टली वो मुझे बाहर फेंक दे रहा है। तो ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2GB का 1482 टाइम है यहाँ पर, 1:42 का टाइमिंग। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं, ठीक है। हमेशा के जैसे सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, साउंड ढूंढना है वीडियो के लिए, अपना साउंड ढूंढना है, म्यूज़िक ढूंढना है। ओके, सॉन्ग ढूंढना है, जो भी ढूंढना है बस अच्छा ढूंढना है। ओके, मिनिमम मुझे इसको ढूंढने के लिए लगे 2 आवर्स से भी ज़्यादा, पिछले बार तो कम लगा था, ये बार तो ज़्यादा लगा। मैंने 2-3 म्यूज़िक है ना रिजेक्ट किए, ऐड करने के बाद मैं उसको हटाया, फिर वापस से दूसरा मैं ढूंढा, फिर वापस से मैं ऐड किया, ठीक है। आधा काम होने के बाद फिर मैं म्यूज़िक डिलीट किया, उसके बाद वापस से शुरू किया काम, ऐसे हुआ मेरे साथ में आगे जाके, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा है सॉन्ग के साथ में। ओके, तो फिलहाल मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑडियो को ऐड किया। ओके, और ऊपर देख सकते हैं टेक्स्ट भी मैंने ऐड किया यहाँ पर, वीडियो बाय अल्फाज फोटोग्राफी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिशन ऐड किया। ये ट्रांजिशन आपको जो है मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन। ओके, तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा ट्रांजिशन, आप लोग देख सकते हैं लाइट लिक ओवरले, फिल्म ओवरले का ये मैंने ट्रांजिशन यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑडियो में जाता हूँ। अब यहाँ पर है ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछली बार हमने क्या किया था, VN ऐप के अंदर से पूरा एडिट कर लिया था, और हम लोग जो है ट्रांजिशन के ऊपर साउंड इफेक्ट जो डाले ना, वो पावर एडिटर के अंदर जाकर डाले, और उतना हमको खूबसूरत अच्छा अच्छा साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन का इफेक्ट जो है हमको नहीं मिला था। तो इस बार हमने क्या किया है, VN ऐप के अंदर है ना सारा कुछ मौजूद है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साउंड पर क्लिक किया, सॉरी इफेक्ट पे क्लिक किया। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, जो कि आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो ट्रांजिशन के दौरान, या फिर कहीं पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने ये किया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट में हमने डाला है, और ट्रांजिशन के ऊपर ये जो डाला है हमने, और सेकेंड वाला ये कार हैंड ब्रेक, जो लगता ना हैंड ब्रेक उसका, और जो फुटेज है ना वो ऐसे घूमते घूमते जा रहा है ना, ऐसे ऊपर शटर गिर रहा है, तो बराबर मैच भी लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और किसी को लगेगा भी नहीं भाई ये हमने ये वाला ट्रांजिशन का इफेक्ट यूज़ किया है। ओके, सीधी बात, अब आगे बढ़ते। और यहाँ पर देख सकते हैं जो म्यूज़िक का बीट है ना, उसको पर मैंने सारे कर्ज बिठाया, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो देखने में मज़ा तब आता है जब म्यूज़िक के साथ में वीडियो मैच करे। पिछले वीडियो में मैंने यही बोला था, अब इस वाली वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ। देखो, आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, म्यूज़िक का बीट गिर रहा है, टन टन टन, 3 बार यहाँ पर ड्रॉप आया, तो आपको 3ों बार है ना फुटेज चेंज करना है, या फिर फुटेज को रखना है और जूम इन जूम आउट कर लेना है। बस इतना लगना चाहिए कि वो बीट के साथ में मूव हो रहा है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, वरना आपकी वीडियो बोरिंग लगेगी, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो। और ख़राब से ख़राब वीडियो में आप अच्छे से म्यूज़िक वगैरह ऐड करके, म्यूज़िक के साथ में, बीट के साथ में वीडियो को ले जाओगे ना, ख़राब से ख़राब वीडियो भी अच्छी लगने लगती है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये सब मैंने बीट के साथ में फुटेज ऐड करी है, ताकि इसके लिए ये सब छोटा छोटा एकदम, और थोड़ा सा मैंने ये लंबा किया है। ओके, यहाँ पर एक मैंने ट्रांजिशन ऐड किया, देख सकते हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट मैंने ऐड नहीं किया।
सो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अभी यहाँ पर जैसे जो बीट है ना, यहाँ पर तीन बार ड्रॉप हुआ है, तो मैं यहाँ पर है ना तीन बार हो ना यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पर इस तरीके से कुछ, सेकंड में मैंने वीडियो को जो है थोड़ा सा जूम इन करके रोटेट कर लिया मेरे तरफ, ऐसा उल्टा तरफ घुमा लिया मिरर को क्लिक करके। देख सकते हैं यहाँ पर मिरर का ऑप्शन आएगा, मैं क्रॉप पे जाऊँगा ना यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर जैसे मिरर का ऑप्शन आएगा नीचे, तो मैंने ये करके रोटेट कर लिया वीडियो को, दूसरी तरफ घुमा दिया ओके, और वीडियो थोड़ा सा मैं जूम कर लिया अपने जूम इन कर लिया ओके, और यहाँ पर ना तीसरी बारी में मैंने नॉर्मली वैसे रहन दिया ताकि वीडियो अच्छा लगे देखने को और एक लगे कि यार कुछ चल रहा है मतलब बीट के साथ में, और अट्रैक्शन मतलब जो लोगों का फोकस है ना वो वीडियो के ऊपर बना रहे ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल अभी, और आपको मैं यहाँ पर बताऊँ ये सब नॉर्मली मैंने वीडियो ऐड करी है ताकि अब यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर से ना फिर और एक दूसरा यहाँ पर है ना बीट शुरू हो रहा है। लाइक यहाँ पर मैंने पहले वीडियो को जूम इन में छोड़ा है और फिर यहाँ पर से जूम आउट पे जाएगा, देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत देर हो रहा है ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओके, यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट लो किया है, आपको फास्ट लो कैसे करना आपको पता है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे देखने के लिए, स्पीड में जाने के बाद आपको नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं या फिर आप लोग कर्व का यूज़ कर सकते हो ओके। नॉर्मली आपको इस तरीके से मिलेगा देखने को, मज़ा नहीं आता इसमें, बट आप लोग कर्व टूल यहाँ पर यूज़ करना, कर्व टूल में यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट भी दिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको कस्टम करना है या फिर आप लोगों को मैनुअली करना है, कस्टम मैनुअल एक ही हो गया, तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं ओके। तो फिलहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं फटाफट अभी, और यहाँ पर मैंने इस वाले ऑप्शन पर भी थोड़ा स्लो मोशन किया है, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सारा वीडियो मैंने बीट के साथ में एकदम मस्त ऐड कर लिया है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर है ना मैंने एक जादू किया है, अभी मैं आपको बता दूँ मैं ठीक है। अब मैं म्यूज़िक पे जाऊँगा ऑडियो पे, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ठीक है, ये फर्स्ट ऑडियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा एक एंजल का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ना इसके अंदर मौजूद है, इफेक्ट में गया था मैं और उसके अंदर हम लोग को मिला ये एंजल का एक, तो हम लोग उसको ऐड किया मैंने, और इस वीडियो को ऊपर है ना मैंने एक इफेक्ट ऐड किया है यहाँ पर लाइट लीक वाला, ऊपर देख सकते हैं जो मॉडल के ऊपर आ रहा है ठीक है, जो ग्रूम के ऊपर आ रहा है, और नीचे एक स्कैरी ट्रांजिशन इफेक्ट है। उसके बाद मैंने दूसरा एक म्यूज़िक अटैच किया है नीचे देख सकते हैं, ताकि एक लगे कि यार बीट एक सॉन्ग ख़त्म हो गया, दूसरा आया और उसके पहले ट्रांजिशन एक इफेक्ट आया बदलने से पहले, ये ना लगे कि भाई फटाक से चलते चलते ये कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, तो मैंने इस वजह से रखा। लेकिन मैं आपको अभी प्रीव्यू बताऊँगा, आप लोग उसको ध्यान से देखना। अब ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट कर लिया है, एंड एंड में मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा कैमरा का जो है शटर स्पीड रखा है, वो साउंड रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट लिखा इफेक्ट डाला है, और इस तरीके से मैंने कर लिया है ओके। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ को ऐड नहीं किया जो कि है सिनेमैटिक बार, अगर आप लोग कोई भी वीडियो पे वो सिनेमैटिक बार ऐड करोगे ना तो आपकी वीडियो नेक्स्ट लेवल चले जाती है। लाइक आप लोग को लगेगा कि हाँ कुछ हम देख रहे हैं, कुछ वीडियो में कुछ मज़ा आने वाला है देखने में, तो आप लोग को अगर ऐड करना है तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हो अगर आपको और अच्छा दिखाना है तो मैं फ़िलहाल ऐड कर लिया उसको ताकि और एक वीडियो पे अच्छी वाइब आए, क्योंकि मेरी वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डार्क है और मुझे नहीं पसंद आया कि यार, मुझे लगा कि यार चलो मैं ऐड कर लेता हूँ इसके ऊपर ताकि वीडियो एकदम मस्त लगे ओके। तो अभी प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ मैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा।
सो आई होप आपको जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल्सो हाँ, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेना मेरा पेज को अल्फाज फोटोग्राफी। एंड आप लोग के पास में कुछ अगर है, आप लोग अगर आसपास से हो मुंबई से, आप लोग कैसे भी हो, तो आप लोग मुझे फोटोग्राफी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करना हो तो इंस्टाग्राम पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वाला ब्रेकडाउन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट होगा कि भाई देखो ये जो आप वीडियो फॉर्म में बनाए तो ये कैसे होगा, ओरिजिनल वीडियो फिर कैसे एडिट होगा, वो हमको देखना रहेगा ना। तो चलो मैं जैसी वीडियो बनकर आएंगी, जो हमारी टीम है वहाँ पर अभी प्रोसेस है ये काम जो चल रहा है, और जैसी बन के आएगी मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पर। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ कमाल की न्यू शानदार वीडियो में, कुछ अगली बार में मज़ेदार लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।